चलो बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग कैसे हो आप लोग? हेलो, बढ़िया चलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। हेलो ईशा, रितिक, साहिल, अंजलि, वंश, इसी आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हो आप लोग? है। यस सर। हेमंत, अभिनंदन, आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो? यस सर। हो रहे सॉल्व? कुछ लग रहे हैं सर, कुछ नहीं लग रहे। ठीक है, उनको इकट्ठा करिए फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक यस है, आप सर। लोग जितने लोग भी सॉल्व कर रहे हो उस जो मैंने मॉड्यूल बताया था नहीं हो रहे हैं, तो उनको गोला करके क्वेश्चन नंबर आप क्या करोगे बता देना मुझे, तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक, पायल आपसे हो रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व? यस सर, हो रहे हैं तानिया आपसे? ठीक सर, कुछ कुछ रह जा रहे हैं है, सर। उसको भी सॉल्यूशन ठीक के नहीं हो रहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो हो भी रहे हैं। है, सॉल्यूशन का एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग ठीक है, हम न्यूमेरिकल के साथ कंटिन्यू करते हैं। और कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत बच गए थे, थोड़े क्या उनके हम थियरी ने हमने पढ़ा था, तो न्यूमेरिकल भी करना पड़े। सो आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस, और उसका न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। जेई मेंस के ही ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के ही है, और इफेक्ट ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, कि अगर मान लीजिए आप डाइल्यूट करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था ना, और जितनी भी थियरी पढ़ी थी कि हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें कितने लोगों ने रिवाइज किया हुआ है बताइए, आप लोग ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों ने रिवीजन किया है, कुछ फॉर्मूले याद हैं आप लोगों को? हेलो, किसी ने भी नहीं करा? क्यों भाई इतनी खामोशी क्यों है, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, किसी यस सर। ने भी नहीं करा? चलिए कोई बात नहीं, मैं रिवीजन कराता हूं, ध्यान दीजिए। इधर जो हमने पिछली क्लास में हमने कंडक्टेंस पढ़ा हुआ था कि भाई अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक बीकर है और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हैं, तो इनकी वजह से सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी तो शो करने वाली है। अब ये मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी, या फिर कंडक्टेंस बोलिए या कंडक्टिविटी बोलिए, तो वहां पे हो क्या रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। कितने हमने फॉर्मूले डिस्कस करे थे कि अगर मान लीजिए आयंस मूव कर रहा है, तो अगर उसका रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए था। ठीक है, एक तो फॉर्मूला नंबर वन हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए आप कंडक्टिविटी की बात करते हो, या कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस अगर मेजर करना है आपको, तो सेकेंड फॉर्मूला क्या था कि भैया कंडक्टेंस को अगर सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन आर, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आपका क्या निकल के आएगा कि भाई अगर मान लीजिए सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, एल अपॉन ए, यानी कि एल यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए यस सर। फोर्थ फोर्थ फॉर्मूले पे आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि सी की जगह क्या कर सकते हो, आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन रो एल अपॉन ए। ठीक है, और ये आगे चल के क्या हो जाएगा, ए रो इंटू एल, सॉरी रो इंटू एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। दूसरा हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था कि अगर मान लीजिए कि अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको निकालना है, स्पेसिफिक का मतलब कि 1 सेंटीमीटर के लिए ही आपको निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसको हमने कैप्पा यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, याद आया क्या? यस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंडक्टेंस इनटू L/A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट। इससे इस वाले फॉर्मूले से याद रखिएगा कि जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने लिया नहीं है, 6-7 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ वाले को भी एक्चुअली फोर्थ वो सेम ही है तो इसको स्टार कर लीजिए, बाकी आपका पता होना चाहिए। फिर आ जाइए फिफ्थ फॉर्मूले पे, हमने देखा था कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लैम्डा एम इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, एक तो ये हो गया। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो लैम्डा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि के कैपा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मेलिटी। इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। बताइए आप ये जितने भी 5 फॉर्मूलेज हैं इनको आप लोग लिख लीजिए और यही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम लोग, पहला न्यूमेरिकल एक नीट में आया हुआ है, इस नीट में 2016 में फेज 2 में आया हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर डेसीमीटर क्यूब यानी कि मोल पर एमएल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ है, इसको नीचे करता हूँ, इतना ही है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पूछा हुआ है। तो अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी तो इनका दे रखा हुआ है, आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, यानी मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या पूछ रहा है, क्या ये लैम्डा एम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, बताइए आप लोग। क्या पूछ रहा है ये आपसे, लैम्डा, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा कि भाई आपको जो है ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी दे रखी है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे आ जाइए। अब आप लोग देखोगे कि भाई के कितना दिया हुआ है, तो 576 इंटू 1000 और सॉरी 10^-3 इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.5। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, चलिए बताइए आप लोग। किसी का लगा, हेलो, सॉल्व करके बताइए इसे, अरे भाई देखिए 0.5 है तो इसको कट कर दीजिए, इसको 1/2 कर दीजिए, ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर जाएगा और ये 3 से ये कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया 576 इंटू 2 तो ये ऑलमोस्ट 11 वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, क्लियर हुआ। समझ गए आप लोग? यस सर, यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, चलिए ये नीट का था, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये 2022 का ही है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलिए फटाफट पढ़िए। तो जो 5-6 हमने फॉर्मूले बोले थे, कौन सा फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलो 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 पढ़ो यार।
किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा? खामोश क्यों है यार, कुछ तो बोलो कि नहीं आ रहा सर या समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, कंटेनिंग की बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे, 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज, यानी कि रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 750 ओ। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, यानी कि के की वैल्यू यहां पर दे रखी हुई है कैप्पा की, ये जो हो गई है 152 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर एनर्स। इन्होंने पूछा होगा कि भाई सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल की बताएं, सेल कांस्टेंट यानी कि क्या, एल अपॉन ए, ठीक है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कॉन्डक्ट का कंडक्टेंस जो है वो एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे आर और के की वैल्यू गिवन है। अब आ जाइए फॉर्मूले पे, एक बात बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है इस फॉर्मूले में कि भैया एल अपॉन ए आपको क्या है पता करना है, इन्होंने के और आर दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। अब भैया आ जाइए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4 में, आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R (L/A। आपको L अपॉन A ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे L अपॉन A को क्या लिखोगे भाई, R को लेफ्ट साइड लेके जाइए, तो K (R). अगर फॉर्मूला आपको पता है और ट्रिक कर गया कि भाई यही फॉर्मूला लगेगा, L अपॉन A निकालना है, तो K (R) का मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो 0.152 × R कितना हो जाएगा, 1750 ओम। चलिए यूनिट रहने दीजिए। अब बताइए इसका सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, इसका 266, इसका आएगा 266, कितना आ रहा है, यस सर। कैलकुलेशन करिए एक बार आप लोग थोड़ा। तो यहाँ पे जो डिजिट वाला आंसर पूछा हुआ है वो क्या आएगा, डिजिट में जो आंसर है वो, और ये हो जाएगा 0.1152 मल्टीप्लाई बाय 1750, हाँ 266 आ रहा है। अच्छा, हमने जीरो कंडक्टिविटी का यहाँ पे 3 - 3 लिखा नहीं था, सॉरी, तो अब ये आ जाएगा आपका -3, यानी कि 26 आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा डिजिट टाइप में, इंटीजर टाइप में, वो 266 आएगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है, ये जेई मेंस में रिसेंटली ये पूछा हुआ है, इसको बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, एक मिनट लो आप लोग पढ़ो, और आप बता सकते हो तो बताओ आप लोग, नहीं तो मैं बताऊंगा। किसी को नहीं क्लियर हो रहा, चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, क्वेश्चन में आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बोला क्या है कि भाई द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, यानी कि उसका सेल कांस्टेंट बता दिया हुआ है कि भैया हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है और उसका जो सेल कांस्टेंट है L अपॉन A की वैल्यू जो है वो 129 मीटर इनवर्स गिवन है, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल है जिसका सेल कांस्टेंट 129 मीटर इनवर्स है, फिल्ड विद, ध्यान से सुनिएगा, 74 ppm सॉल्यूशन ऑफ KCl,
और ठीक है, इज 100 ओम रेजिस्टेंस है लेबल्ड एज सॉल्यूशन वन, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, सॉरी कंडक्टिंग सेल है, और उसमें इन्होंने बोला हुआ है भैया जो इसमें सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि उसकी मोलारिटी यहाँ पे ले लीजिए, चाहे मोलारिटी ले लीजिए, वो कितना हो जाएगा, MON 74.5 ppm, ठीक है। अब इसमें जो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड है, तो इसका रेजिस्टेंस भी मान लीजिए कि गिवन है, R1 कितना दिया हुआ है, 100 ओम, ठीक है, और इसका जो सेल कांस्टेंट होगा L अपॉन A, वो हो जाएगा 129 मीटर इनवर्स। इतना तो हमें डेटा गिवन है। फिर इन्होंने बोला कि व्हेन द सेम सेल इज फिल्ड विद KCl सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए कि उसी सेम सेल में अगर आपने क्या करा कि 149 ppm सॉल्यूशन, यानी कि जो KCl का कंसंट्रेशन है हमने बढ़ा के डबल कर दिया, तो अब क्या होगा कि सेम सेल है तो उसके लिए L अपॉन A भी सेम होगा, ठीक है, बस आपका जो M की वैल्यू है, कंसंट्रेशन जो है M1, वो कितना हो जाएगा, 149 ppm, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, द रेजिस्टेंस इज कितना हो गया, 50 ओम, यानी कि यहाँ पे जो R2 की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितना आ गई, 50 ओम। द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज, इन्होंने बोल रखा है कि भैया यहाँ पर देखिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जो रेशियो आ रही है वो x 10^-3 आ रही है, यहाँ पे आप x की वैल्यू बताइए इंटीजर टाइप आंसर में, ठीक है, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा कि भैया इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, उसको डिवाइड करिए, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। मोलर कंडक्टिविटी का आप लोगों के सामने फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनिए भाई। ये लैम्डा मान लेते हैं कि पहले वाले का, इसका 1 और इसका क्या है, 2 है, तो मैं इसका बोलता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल देता हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसका क्या हो जाएगा, K1 इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1000 अपॉन M1। ये पहले सेल के लिए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। यस सर, ठीक है, चलिए अगर मैं लैम्डा 2 की बात करता हूँ तो लैम्डा 2 के लिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए कि हमने कंसंट्रेशन बदला, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल रहा है, सॉल्यूशन बदल रहा है, तो इसको मान लेता हूँ कि K2 इनटू ये क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन M2, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन 7 यहाँ पे देखिएगा 74 ppm से कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, 74 ppm से हम कितना बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं 149 ppm, तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बदलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा कि लैम्डा 2 जो है हम लिख सकते हैं K2 into 1000 upon M2। फिर इन्होंने क्या कहा है भाई कि इसका रेशियो निकालिए, तो मैं यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, लैम्डा 1 इसको कहता हूँ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू, अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो आप देखिए 1000 से 1000 कैंसल हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिएगा आप लोग, K2 into M2 अपॉन, यहाँ पे मैं इसको सॉरी 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 इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाँ K1 into M2 अपॉन K2 into M1, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes sir, ठीक है, चलिए अब बात आती है कि भैया यहाँ पे K1 K2 हमें पता नहीं है, तो K1 K2 हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिएगा आप लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था कि भैया यहाँ पे K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, अफकोर्स इसको लिख सकते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि भैया इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूं, तो क्या मैं K1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन R1 इंटू एल अपॉन ए इंटू
एम टू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऊपर और नीचे आप लोग बताइएगा वन अपॉन आर टू, क्योंकि के टू की जगह अगर के टू है तो रेजिस्टेंस हमने आर टू मान रखा है, आर टू इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि सेल एक ही है तो सेल कॉन्स्टेंट नहीं बदलने वाला, इंटू एम वन, यहाँ एल अपॉन ए से ये कैंसल हो जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपको, ये आर टू ऊपर चला जाएगा, तो आर टू इंटू एम टू अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 into M1. अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, R2 बताइए कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50 ओम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 50 into M2 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो सॉरी ये M2 है आपका, ये M2 है 149, तो ये हो गया आपका 149 अपॉन R1 देखोगे तो 100 ओम है, तो ये हो गया आपका 100 ओम into ये कितना हो गया M1 जो है वो 74.5, तो हमने रखा 74.5, ठीक है, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ से ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 जो है वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है. इन्होंने क्या दे रखा है ध्यान से सुनिएगा, ये आंसर में इन्होंने क्या दिया हुआ है ऑप्शन में कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 x इंटू 10 to power -3, और हमारा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1000 इंटू 10 to power -3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस वाले टर्म को, बताइए आप लोग सर क्यों. आप ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे बताइए कि जो क्वेश्चन में इन लोगों ने इंटीजर टाइप में यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर जो मैं गोला कर रहा हूँ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू x इनटू 10 to power -3 लिखा है कि नहीं लिखा है. यस सर. ठीक है, अब हमारा भी आंसर सेम आ रहा है लेकिन हम में भी थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर, अब वैल्यू ऑफ अगर x निकालना है हमें तो हमारा क्या रहा है वो ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो हमारी वैल्यू है इनकी वैल्यू क्या दी हुई है कि भैया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू x इनटू 10 to power -3, ये इन्होंने बोला है और इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू बताइए, तो अब मुझे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, तो अब मुझे 10 to power -3 में कन्वर्ट करूंगा तभी x की वैल्यू आने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ भाई 1000 अपॉन 1000, अब बताइए 1000 में 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, अब हमने yes, क्या करा इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो जब आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1000 into 10 to power -3, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और यहां से अब जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी 1000 आएगी और 10 to power -3 ये रहा, तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका 1000 और यही इंटीजर टाइप आंसर है, समझ में आया. यस सर. यस सर. इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू तो दे रखी है x into 10 to power -3 और इन्होंने बोला है x की वैल्यू बताइए, तो हमारा 1 आ रहा है लेकिन हमें 10 to power -3 कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकालना है जो हमने यहाँ पे किया, तो इंटीजर टाइप आंसर में आपका आंसर आएगा 1000. डन, आगे बढ़े. यस सर. यस. किसी को डाउट है? नो सर. चलिए बस आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी तो कोई इश्यू नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन है ना आसान है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें फोकस करना है फॉर्मूले में. इन्होंने क्या कहा हुआ है कि इफ द कंडक्टिविटी ऑफ द मर्करी एट 0 degree Celsius, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, वो यानी कि K की जो वैल्यू गिवन है वो 1.07 × 10⁶ S m इनवर्स सीमेंस मीटर इनवर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग मर्करी इज इतना, यानी कि इन्होंने जो रेजिस्टेंस उस सेल की बात कर रहे हैं वो कितना दिया हुआ है 0.243 ओम, and then cell constant of cell is यानी कि L upon A की वैल्यू इन्होंने दे रखी हुई है x
इनटू 10 टू पावर 4 मीटर इनवर्स, और इन्होंने पूछा होगा कि भैया ये जो एक्स निकल के आ रहा है ना, इसको आप बताइए मुझे। तो पहले एक्स की वैल्यू जो एल अपॉन ए की जो वैल्यू आ रही है उसको आपको क्या करना होगा कि 10 टू पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए कि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको पहले ही मार्क करवाया हुआ था कि आप उसी फॉर्मूले को यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला था ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे था कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए जो है यहाँ पर क्या है, वो सेल कॉन्स्टेंट है, और इन्होंने पूछा हुआ है कि सेल कॉन्स्टेंट बताइए। तो एल अपॉन ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू। अब यहाँ पे देखिएगा k into r का मल्टीप्लाई करिए तो 1.07 into 10 to power 6 into ये हो जाएगा 0.243 ओम। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो l अपॉन a की वैल्यू आएगी, कितना आएगा बताइए आप लोग। चलिए चलिए बताइए किसी का आया, एल अपॉन ए की वैल्यू कितना आ रहा है इसमें। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसको तो ये आएगा 0.2600 इंटू 10 टू पावर 6। ये आपका तो एल अपॉन ए की वैल्यू आई हुई है, और आपको एल अपॉन ए की वैल्यू यहां पर भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे दोनों में फर्क क्या है कि हमें चाहिए इंटीजर टाइप ऑप्शन, यहाँ पे क्या है कि पॉइंट में डेसिमल में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर 10 टू पावर 6 है और यहाँ पर 10 टू पावर 4 है जो कि गिवन है। तो हमें 10 टू पावर अगर मैं 4 में इसको कन्वर्ट करूं, तो अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो एल अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 26 इंटू 10 टू पावर 4। ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि नहीं बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes. चलिए अब यहाँ पे देखोगे जो भैया ये x की वैल्यू है ये वो 26 आ रही है, x की वैल्यू आपकी 26 हो गई, ये इंटीजर टाइप आंसर है, ठीक है। सो आपके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिए इसे। अब इसको एक काम करिए, आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 2 मिनट देता हूं आप लोगों को, चलिए सॉल्व करिए आप लोग और बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाओगे तो के की वैल्यू चाहिए आपको, जो कि के की वैल्यू जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है उसी से लगा के निकालना है। तो पहले आप के की वैल्यू निकालिए फिर मोलर कंडक्टिविटी में वैल्यू पुट करोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए। चलिए 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 मैं बताता हूँ कैसे करना है आप लोगों को, ट्राई करिए। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा लैम्डा एम इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन एम, मोलरिटी आपको गिवन है। सिर्फ आपको के की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/r इनटू एल अपॉन ए, जो कि सारा डेटा यहाँ पर गिवन है। तो एल अपॉन ए भी गिवन है और आर भी गिवन है, तो के निकालिए और फिर के की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तब आपको लैम्डा एम की वैल्यू निकल के आएंगी, वो भी इंटीजर टाइप होगा। तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट। हम्म,
किसी का आया किसी का आंसर नहीं आया क्या? कोई लगा नहीं रहा सर? 759.91 कुछ ऐसा जैसा आ रहा है। 75 ठीक है, सही है। और किसी का आया दोस्तों? चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने बोला हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी से, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ सेल कांस्टेंट, यानी कि यहां पर आप देखोगे कि जो आपको डेटा गिवन है एल अपॉन ए, वो दिया हुआ है 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट है इतना दिया हुआ है। कंटेनिंग 0.01 मोलर केसीएल, यानी कि मोलैरिटी की बात कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। 8298 केल्विन इज 1500 ओम रेजिस्टेंस है उसका, तो आर की वैल्यू आप देखोगे कितना हो जाएगा? 1500 ओम। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन 8298 केल्विन इज, यानी कि आपको लैम्डा एम की वैल्यू बतानी है। लैम्डा एम की वैल्यू अगर आपको बतानी है भाई, तो आपके लिए वो फॉर्मूला कौन सा होगा वो देखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वो क्या होगा, लैम्डा एम इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहां पर आप देखोगे कि पहले आपको के निकालना पड़ेगा अलग से, तो के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/r इनटू l अपॉन a। सारी वैल्यू आपको पता है, r l पता हुआ है, तो आप k की वैल्यू निकाल लोगे 1/1500 इनटू 1.14, ठीक है। ये k की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो लैम्डा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1500 इनटू 1.14 इनटू 1000 अपॉन, यहाँ पे क्या मिलने वाला है वो देखिएगा, 0.001 मोलर सॉल्यूशन। सिंपली आपको यही सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, लैम्डा एम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 760, ठीक है, कितना आएगा 760 अराउंड, इंटीजर टाइप में आंसर आएगा। कितने लोगों का आया था सर? मेरा 760 आया था। ग्रेट। और किसी का? 759। सही है, 759, यानी कि आपका 60 के अराउंड ही है वो, सही है। 759.8। गुड 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 गुड, ठीक है, 60 के अराउंड ही है। चलिए, यहाँ पर इंटीजर टाइप में आपको अप्रोक्सीमेशन लेना जरूरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़े? यस सर। चलिए आ जाइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है अ केसीएल सॉल्यूशन कंडक्टिविटी, केसीएल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, 0.4 सीमेन मीटर इनवर्स, यानी कि के की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.14 एस एम इनवर्स, यानी कि सीमेंस इनवर्स मीटर इनवर्स। सोज रेजिस्टेंस, उसका जो आर है, मान लीजिए कि R कितना दिया हुआ है, 4.19 ओम इन कंडक्टिविटी सेल। इफ द सेम सेल इज फिल्ड विद एक्सीएल सॉल्यूशन, हमने पहले क्या करा, KCl रखा, एक हमारे पास कंडक्टिविटी, मान लीजिए एक सेल था, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें आपने शुरू में क्या रखा, KCl रखा,
ठीक है, तो उसके लिए आपका जो कंडक्टिविटी के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वन निकला, रेजिस्टेंस आर वन था, ठीक। फिर हमने क्या करा कि इफ द सेम सेल, तो अगर मान लीजिए कि इसके लिए एल अपॉन ए है, तो सेम अगर सेल आप रखोगे तो इसके लिए एल अपॉन ए जो है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड और सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बदलने वाला नहीं है, तो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन्होंने बोला कि द रेजिस्टेंस ड्रॉप इतना हो गया है 1.03 ओम, तो जो आपको आर टू की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.1.03 ओम। कंडक्टिविटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन इज, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि जो L अपॉन A है ना, दोनों सेल के लिए सेम रहेगा, क्योंकि सेल मेरा सेम है। सेल सेम होने का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड्स है दोनों के बीच की L यानी डिस्टेंस और सरफेस एरिया सेम रहने वाली है। तो अब इन्होंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इन्होंने पूछा हुआ कंडक्टिविटी निकालिए, यानी कि इसका के टू निकालिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको L अपॉन K2 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा वो सुनिएगा, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, K2 निकालना है, चाहे मान लीजिए कि इसका K है, K निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए। सेल कांस्टेंट जब तक पता नहीं होगा, दोनों का मानता हूं कि सेल कांस्टेंट सेम है, लेकिन जब तक पता नहीं होगा तब तक L अपॉन A की वैल्यू रख के आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको R पता है इसके लिए, देखिए ये R पता है लेकिन L अपॉन A चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि भैया ये डेटा जो हमने दे रखा है पहले सेल के लिए, यहां से आप निकाल लो। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि भैया इसके लिए K1 equals to 1 upon R1 into L upon A, और यहां से जब L upon A निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, K1 into R1, और ये हो जाएगा K1 कितना दिया हुआ है, 0.145 इंटू आर वन इन्होंने दिया हुआ है 4.19। इसको सॉल्व करोगे तो एल अपॉन ए की वैल्यू निकलेगी कितना आ रहा है, कोई बताएगा, चलिए कैलकुलेट करिए कितना आएगा ये हाँ ये आ रहा है 0.58, ठीक है। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए दूसरे वाले सेल में, तो 1 अपॉन R यानी कि रेजिस्टेंस जो था वो रिड्यूस हो गया था 0.03 इनटू L की वैल्यू 0.58, यहां से आपको K की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि निकल के आएगी, आप इसे सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा वो आएगा 0.56, ठीक है, 0.56 आएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि जो यहां पे इन्होंने कंडक्टिविटी दे रखी है HCl की, K की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है डैश इंटू 10^-2, तो 10^-2 में कन्वर्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो आप 56 इंटू 10^-2, और यहां से आप देखोगे कि 56 जो है डिजिट टाइप इंटीजर टाइप आपका आंसर हो, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आपका क्या होने वाला है, 56, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, हेलो, यस सर, नहीं समझ में आया क्या सर, आगे ठीक कर दो सर, एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ध्यान से सुनिएगा, भाई आपके पास एक ही कंडक्टिविटी सेल है, क्या है आपने क्या बनाया, एक ही कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। इसमें भाई दो इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड में, अब इसी कंडक्टिविटी सेल में आपने क्या किया कि एक बार KCl सॉल्यूशन फील किया, क्या करा आपने, एक बार जैसे ही आप KCl सॉल्यूशन यहाँ पर फील करोगे तो उसकी इन्होंने जो कंडक्टिविटी ऑब्जर्व की, K की वैल्यू वो कितनी थी, 0.14, ठीक है, सीमेंस इनवर्स, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना निकल के आया, 4.19, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकलेगा जो सॉल्यूशन में वो आएगा आपका 4.19 ओ, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। इन्होंने बोला कि भैया सेल आपका सेम है, क्या है, सेल आपका सेम है,
इन्होंने क्या करा कि पहले केसीएल फिल किया हुआ था, उसकी जगह इन्होंने एचसीएल सोल्यूशन फिल कर दिया. क्या फिल कर दिया? HCl solution. तो अब इन्होंने ऑब्जर्व करा कि भैया सेम सेल में जो आपका रेजिस्टेंस था वो 4.19 से ड्रॉप करके जो रेजिस्टेंस बदल गया वो कितना हो गया HCl के केस में, याद रखिएगा वो हो गया 1.03 ओम. ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि भैया कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बताइए. ठीक है, HCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी यानी कि K की वैल्यू आप बताइए. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो K की फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए. K इक्वल्स टू 1/R इनटू L/A. आपको R पता है, यहाँ पे देखिए आपको R पता है, लेकिन चाहिए क्या L/A. ये कहीं गिवन है क्या पूरे न्यूमेरिकल में, बताइए. L upon A पूरे numericals में कहीं भी given नहीं है. तो इन्होंने बोला हुआ है, इन लोगों ने ये जो डेटा दिया हुआ है ना पहले सेल वाले के लिए, कि जब आपने KCl फील किया तो उन्होंने कंडक्टिविटी दे दिया, R दे दिया. ठीक है, तो हम इसको यूज करके, क्योंकि सेल जब सेम है, एक ही सेल में हम सिर्फ सॉल्यूशन बदल रहे हैं लेकिन उसका जो सेल है वो सेम है, तो दोनों सोल्यूशन के लिए L upon A की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है. तो हम इसकी मदद से क्या निकाल लेंगे, L अपॉन A निकाल लेंगे. तो अब देखिए K इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A. ये L अपॉन A जब आप निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा, देखिएगा L अपॉन A इक्वल्स टू K इंटू R, और K इंटू R जब आप वैल्यू रखोगे तो देखिए K कितना है 0.14 इंटू R की वैल्यू दी हुई है 4.19, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.58. ठीक है, कितना आ रहा है ये, एक सेकंड देख लेते हैं. 56 L अपॉन A की वैल्यू जो है वो 0.58 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या मीटर इनवर्स जो भी हो इसकी यूनिट. तो ये आपका L अपॉन A की वैल्यू आ रही. ठीक, अब देखिए दोनों के लिए सेम चाहिए, L अपॉन A दोनों सॉल्यूशंस के लिए सेम है, तो हमारे पास क्या है, K की वैल्यू निकालनी है. तो आप K की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, 1/R जो है 1.03 इंटू L जो है, L अपॉन A जो है यहां से रख दोगे 5.8, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0. ध्यान से सुनिएगा 0.56, और इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 10^-2. और ये जो 56 आया हुआ है यही आपका इंटीजर टाइप आंसर है. समझ में आया? यस सर. क्योंकि ये जो डेटा पहला वाला सेल दिया हुआ है इसलिए दिया है कि भैया एल अपॉन ए आप निकाल लो फॉर्मूले से और दूसरे वाले में पुट कर दो तो निकल जाएगा. आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बदल रहा है, सेल नहीं बदल रहा, तो L अपॉन A की वैल्यू क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है. डन डन सर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका जेई मेंस में ही पूछा हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं. इसको एक बार, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ. एक दो बार इसको पढ़िए, समझिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ. ठीक है भाई, समझ में आया. चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको. ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
इन्होंने बोला क्या है वो सुनते रहिएगा। हमारे पास ना दो सेल हैं, क्या दिया हुआ इन लोगों ने कि भैया एक आपके पास सेल है कंडक्टिविटी सेल, ठीक। इन दोनों के लिए मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई आपका ये कंडक्टिविटी सेल वन और ये कंडक्टिविटी सेल क्या है टू है, ये कंडक्टिविटी सेल वन और ये कंडक्टिविटी सेल क्या है टू है। क्वेश्चन पढ़ते हैं चलिए। इन्होंने बोला हुआ है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 10 मोल ऑफ 20 ml NaCl। मान लेते कि पहले वाले में इन्होंने N1 की जगह कितना रखा हुआ है 10 मोल, N मतलब N बोल दिया मतलब 10 मोल, और जो वॉल्यूम V1 मान लेता हूं कि कितना दिया हुआ है बताइए यहां पर 20 ml, ठीक है। फिर इन्होंने सेम बोला हुआ है कि NaCl सॉल्यूशन विथ लैम्डा 1 यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जो है इसकी लैम्डा M1 होगी, ठीक। और फिर उन्होंने बोला हुआ है कि दैट ऑफ 20 मोल्स ऑफ अनदर आइडेंटिकल सेल हैविंग 80 ml NaCl सॉल्यूशन, यानी कि एक और हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉरी कंडक्टिविटी सेल लिया हुआ है और उसमें जो है ना N2 जो है मोल जो है वो कितना है 20 है और उसमें वॉल्यूम कितना है 80 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, 80 ml सॉल्यूशन है और इसका जो मोलर कंडक्टिविटी इन्होंने बोला हुआ है लैम्डा M2 बोला हुआ है। फिर इन्होंने बोला कि द कंडक्टिविटी इज एक्सिबिट बाय दीस सेल्स आर सेम, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि जो कंडक्टिविटी है इनका दोनों सेल का सेम है, दोनों सेल का मतलब चलिए मैं इस सेल के लिए मान लेता हूं कि जो कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो K1 है और इसके लिए जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो K2 है। और इन्होंने ध्यान से सुनिएगा क्या बोला हुआ है कि द कंडक्टिविटीज एक्सिबिट बाय दीज टू सेल्स आर सेम, यानी कि यहां पर जो है आप क्या बोल सकते हो कि K1 इक्वल्स टू K2, क्या बोल सकते हो आप K1 इक्वल्स टू K2 बोल सकते हो क्योंकि दोनों की कंडक्टिविटीज क्या है सेम है। तो इन्होंने बोला कि भैया द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा M2 एंड लैम्डा M1 क्या होगा, तो ये टू ऑप्शंस दिया हुआ है, सॉरी फोर ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से मोलर कंडक्टिविटी दोनों के लिए लिखूं दोनों सेल्स के लिए, तो सेल नंबर फर्स्ट के लिए अगर मोलर कंडक्टिविटी का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा बताइए, लैम्डा M1 ठीक है इक्वल्स टू K1 इनटू 1000 अपॉन M1, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। दूसरे के लिए क्या लिखूंगा भाई, लैम्डा M2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा K2 इनटू 1000 अपॉन M2, ये फॉर्मूला यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताइए। यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए थोड़ा सा हम इसको और सॉर्ट करने के लिए, अगर हमें ना M1 को क्या लिख सकता हूं सुनिएगा आप लोग, चलिए पहले इसको सॉर्ट कर लेते, ठीक है। यहां से अगर मैं K2 निकालूं, K1 K2 अगर निकालता हूं तो क्या निकल के आएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, हाँ चलिए K1 अगर K2 में निकालता हूं तो वो सुनिएगा क्या होगा, K1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा M1 इंटू M1 अपॉन 1000 लिख सकता हूं। यहां पर सिमिलरली K2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बताइएगा, लैम्डा M2 इंटू M2 अपॉन 1000 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताइए आप भैया। K1 निकालना है तो M1 को इधर लेके आ जाओ और ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा M1 इनटू M1 ठीक है अपॉन 1000, तो K1 यहां से निकाल दिया, ठीक है। यहां पे M2 जो अगर K2 निकालना है तो आप क्या करोगे भाई कि लैम्डा M2 इनटू ये इधर चला जाएगा तो M2 और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि भैया दोनों का K1 K2 जो है कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो था वो सेम है,
तो सेम है, तो K1 K2 के देखिए इस वाले कंडीशन से यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल हैं, तो मैं इक्वेट कर देता हूं तो क्या निकल के आएगा, लैम्डा M1 इनटू M1 अपॉन 1000 इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा M2 इनटू M2 यानी कि दूसरे की मोलारिटी अपॉन 1000। तो एक काम करता हूँ 1000 से 1000 ये उड़ा देता हूँ, तो उड़ाऊंगा तो आपको मिलेगा भैया लैम्डा 1 इनटू M1 इक्वल्स टू लैम्डा M2 इनटू M2। ठीक है, अब सुनिएगा मोलारिटी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मोलारिटी, तो मैं मोलारिटी को M1 इनटू, मान लीजिए M1 निकालना है तो पहले वाले सेल में क्या है 10 मोल है, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मोलारिटी निकल जाएगी, निकल जाएगी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, क्योंकि ये ml में है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और सिमिलरली m2 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर 20 मोल है, कितना है 20 मोल अपॉन 80 ml इनटू 1000, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मोलारिटी में कन्वर्ट। Yes, मोलारिटी का फॉर्मूला यही होता है ना भैया, ओ सॉरी ये स्लाइड चेंज हो गई, कि भाई क्या होता है मोलारिटी का m इक्वल्स टू n अपॉन v इनटू 1000। तो आप देखिए ना मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ml में वॉल्यूम है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे करा हुआ है। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा लैम्डा m1 इनटू, m1 की वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ 10 अपॉन 20 इनटू 1000 equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा lambda m2 equals to m2 होगा जो कि value यहाँ पे put करने वाले हैं 20 upon 80 into 1000, 1000 से 1000 cancel, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे देखिए 2 से इसको cancel करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो relation निकल के आएगा lambda m1 equals to, यहाँ पे जो निकल के आने वाला है वैल्यू 2 लैम्डा m2, सर 2 लैम्डा 1 m1 इज इक्वल टू लैम्डा m2, गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये डिवीजन में आ रहा है 1/2 में आ रहा है, तो ये रिलेशन हमने गलत लिखा था, ये क्या हो जाएगा ये 2 जो है डिनोमिनेटर में है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लैम्डा m2 इक्वल्स टू 2 सॉरी लैम्डा m1। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए आप लोग, पहला वाला ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? यस सर। बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, बहुत बढ़िया, आज हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास के लिए। एक और बात कहनी थी आप लोगों से, हेलो यस सर, यस सर, वेट अ मिनट, थोड़ा मैं इसको स्टॉप शेयरिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ